बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ड्राइवर, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो इस नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। तो अभी अभी शाम का टाइम हुआ है तो हम बना रहे हैं आज गवार की सब्ज़ी। तो आप सबको हम दिखाएँगे गवार की सब्ज़ी जो है वो कैसे बनाई जाती है। हम विलेज में बनाया करते थे, बहुत ज़्यादा खाते थे, पास हमसायों से हम यानी कि लेते थे, खुद भी अपना भी काज कर लेते थे कभी कभी। तो ज़िशान गए हुए थे विलेज में, तो वहाँ से ज़िशान ने ये जो गवार है लिया है। इनके वैसे वह इनके वो अपने शिकर्दों से नहीं लिया, मूल लिया है हमने कि 150 रुपये किलो के। शाम खुलिया से ज़िशान वापस आ रहे थे तो वहाँ से ना रेड़ी वालों से ना ये गवार की सब्ज़ी जो है वो ली है। कि ज़िशान को बहुत ज़्यादा इनके गवार की सब्ज़ी पसंद थी कि अम्मी जान हम गवार की सब्ज़ी जो है वो बनाएं। यहाँ से पता किया था कि बाबापुर किसी एरिए में भी नहीं थे, दूर जाना पड़ता था लेने के लिए। तो कुछ यानी कि मैंने साफ किया है, कुछ यानी कि एक दिन के सालन, एक दिन का सालन जो है वो उबल रहा है। तो अभी मैं इसको उबाल रही हूँ, ये देखें जी उबल रहे हैं थोड़ी देर के, यानी कि एक या घंटा लग सकता है या आधा। तो बस ये देखें जी इसको उबाल लिया है, अभी मैंने इसको खुश्क भी कर दिया है। तो अभी मसाला भी ये देखें जी तैयार हो चुका है, इसमें हम डालेंगे और इसको लगाएंगे तड़का। तो इसको पूरा एक घंटा लगा है इसको गालने में, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको गाला है। हाँ गाल चुका है लेकिन ये देखें बहुत नरम गाल चुका है। तो अब इसको लगाएंगे तड़का क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है इसको बनाना। वैसे ज़िशान की ज़िद थी कि यार मुझे ये खाना है बस, आज मैं लेकर आऊँगा, तो इसलिए तो अभी बस मेरा हाथ भी जल चुका है। ये देखें आप सबको सुर्ख नज़र आ रहा होगा कि ये वाला हिस्सा पूरा और ये वाला हिस्सा भी ये जल चुका है। क्योंकि जब पानी गर्म था ना इसको मैंने यानी कि पानी की निकालने की कोशिश की है ना, तो उसकी वजह से मुझे मेरे पर पानी गर्म पड़ा है तो हाथ जो है वो जल गया है। और आप सबको पता है कि आज लहर जो थी बहुत ज़्यादा यानी कि लोड चढ़ी थी। 1 बजे के करीब आए, ज़िशान सुबह चले गए थे पानी भर के, इस ज़िशान ने हमें दिया नहीं फिल्टर वाला और हमने फ्रिज भी नहीं चलाया और पानी भी आज सारा दिन हमें नहीं मिला, ठंडा पानी बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं मिला। काफ़ी ज़्यादा यानी कि परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं, बस ना पूछें। तो अभी इसको लगाते हैं जी तड़का। तो कुछ लोग, तो मैं आप सबको यही बताना चाहती थी कि कुछ लोग ना गवार की फलियाँ होती हैं वो ऐसे बना देते हैं यानी कि वो काटते नहीं हैं, ऐसे डाल करना प्याज हाथ सब कुछ डाल करना ऐसे तड़का लगा देते हैं, लेकिन वो गलती नहीं है। वो ये बहुत सख्त होती है गवार की फलियाँ, इसको उबालना पड़ता है, तो उबाल करना फिर इसको ना तड़का लगाना पड़ता है। जो ऐसे बना देते हैं ना तो मैदे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उसका, यानी कि वो हजम नहीं होती। तो इसलिए हम तो जैसे शुरू से बनाते आ रहे हैं तो अभी भी हम वैसे ही बना रहे हैं। तो पूरा मुकम्मल जब बना लेंगे ना, तड़का लगाएंगे मुकम्मल बना लेंगे, तो फिर भी आप सबको दिखाएँगे कि हमने गवार की जो फलियाँ हैं उसको कैसे हमने बनाया। तो प्यारे बस ये देखें जी मैंने सालन जो है वो तैयार कर लिया है गवार की फलियों का, और माशाल्लाह से रोटी भी बहुत मज़ेदार है वो मैंने बना ली है। फिर वो मैंने सालन निकाल कर रख दिया है कि ज़िशान कह रहे थे मुझे ठंडा हो जाए तो मैं जल्दी से खाना चाहता हूँ, क्योंकि आज सुबह से ज़्यादातर कुछ नहीं बनाया था, थोड़ा बहुत खाना वगैरह बनाया था। 12 या 11 बजे के करीब ज़िशान आए थे तो वो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बनाया था। तो ये देखें रोटी भी फूल रही है, ये देखें ज़िशान को लगता है भूख लगी होगी। तो फिर हम नाश्ता सालन वगैरह हमने तैयार कर लिया है, अभी रोटियां बना रही हैं तो फिर उनको ना अंदर लेकर जाएंगे ठंडा करेंगे तो फिर जो है खाएंगे। तो आप सबसे छोटी सी एक गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर देखा करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आप कहते हैं कि एक ही जगह पर खड़े रहते हो, तो कुछ यानी कि ऐसी भी खवातीन हैं होते हैं जो कि अपना व्लॉग बनाती हैं, अपना खाना वगैरह दिखाती हैं और फिर उन्हीं भी कम्प्लीट करके ना फिर यानी कि वीडियो जो है मुकम्मल कर देती। तो अभी दो रोटियां जो है, तो मैं बात कर रही थी कि बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि मैं अकेली हूँ, ज़िशान तो अपने काम के सिलसिले में चला जाता है ना, तो इसलिए
हम कहीं आ जा ज़्यादातर नहीं सकते, घर का ही पास भी लोग बनाते हैं, विलेज में जाएंगे तो फिर बनाएंगे। जीशान आज गए तो थे लेकिन आगे से रास्ता भी ख़राब था, बहुत ज़्यादा पानी था, कल बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है ना, तो जीशान ने सिर्फ आटा लेकर ना जल्दी से वापस आने की कोशिश की है क्योंकि हमारे आटा नहीं था, बच्चियाँ जो थी वो भूखी थी सुबह से, तो जल्दी से हमने उन्हें फ़ोन किया कि वापस आ जाओ, तो हम रोटियाँ वगैरह जो हैं वो जल्दी जल्दी से यानी कि बनाएंगे खाना वगैरह। तो जीशान इसलिए कहीं भी नहीं गए, सिर्फ वहीं से वापस लेकर आटा आ गए थे, तो अभी अभी मुकम्मल करके ना फिर खाना वगैरह जो है खाते हैं। अभी टाइम हुआ है कि यानी कि 12 का, तो अपना व्लॉग जो है हमने अपना व्लॉग का आगाज़ जो है कर दिया है। दो दिन से हम व्लॉग नहीं बना सके, उसकी भी एक वजह थी क्योंकि हमारे यहाँ एक तो नेटवर्क ख़राब होता है, कम यानी कि होता है, और कल शाम से ना बारिश शुरू हो गई, अचानक से ना कोई पता भी नहीं चला बारिश शुरू हो गई, फिर बारिश यानी कि चलती रही थोड़ी बहुत थी, ज़्यादा तो नहीं थी ना, तो फिर भी चलती रही, तो फिर उसके बाद ना मौसम अभी भी मौसम खासा खुशगवार है लेकिन अभी भी बादल आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आज भी मौसम वालों ने बताया कि बारिश का सिलसिला जो है दोबारा शुरू हो सकता है। तो बस अल्लाह ताला अपनी रहमत दे क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा सैलाब आ रहा है और गरीब लोग जो हैं वो दर पदर यानी कि वो धक्के खा रहे हैं क्योंकि उनके घरों में पानी बहुत ज़्यादा है और कुछ यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो बस अल्लाह ताला रहमत फरमाए। तो अभी हम ले रहे हैं, लेकर निशान आए हैं सब्ज़ी के, ये देखो ये धनिया है और ये बंद गोभी है और ये प्याज, और अभी अभी जीशान जो है वो लेकर आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जीशान को भी 2 रोज़ से बहुत ज़्यादा बुखार है, तेज़ बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, 2 दिन से बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है, 2 दिन से यानी कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो आज वो जाएंगे, कल दवाई ली थी शाम को, मेडिसिन ली थी लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ, लेकिन अभी भी बुखार जो है तेज़ है, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से सब्ज़ी भी लेकर आए हैं, 2 दिन से सब्ज़ी भी नहीं ली। तो अभी इसको हम बनाते हैं और फिर अपने लोग का जो है वो आवाज करते हैं। अभी इसको मैं काटती हूँ और शुरू करती हूँ, देखती हूँ क्योंकि अभी भी हम गोभी जो है पहले यानी कि बार अभी यानी कि शुरू हुई है, तो हमने ली है पहली बार बंद गोभी, तो आज हम चेक करेंगे, इसको बनाएंगे और साथ साथ आप सबको दिखाएंगे कि गोभी जो वगैरह जो है कैसे बनती है, तो हमारे साथ आप सब ने जुड़े रहेंगे। मसाला जो है हम बना रहे हैं, दोरी जो दोरी डंडा है हमारा वो टूट चुका है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो हम ले नहीं सके, यहाँ से नहीं मिल रहा था, निशान ने पता भी किया था कि दोरी जो है वो मिल जाए, तो वो नहीं मिली और हम फिर कहीं और जगह से लेंगे, तो कोशिश करेंगे, दूर जाना पड़ेगा थोड़ा सा शहर में, तो फिर जा कर ना मिलेगी। तो अभी ऐसे ही काटते हैं इनको, कुछ बनाते हैं मसाला वगैरह। तो अभी गोभी को काट लिया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी गोभी है, जिसमें बहुत अच्छी ली है, ताज़ी थी, थोड़ी सी ऊपर से लग रही थी कि यानी कि कल की होगी, लेकिन आज यानी कि ताज़ी नहीं थी, अंदर से कुछ सही थी क्योंकि वो पानी वगैरह ऊपर लगाते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा वो। तो अभी मसाला वगैरह जो है ये देखिए हमारा तैयार हो चुका है, अभी हम इसको ना इसको मैंने धो लिया है, अब इसको लगाएंगे तड़का, देखते हैं गैस आई है कि नहीं आई, चेक करते हैं, फिर उसके बाद ना मसाले वगैरह डाल कर। मसाले को जो है तड़का लग रहा है क्योंकि वो असल में ना वो आती है ना, वो जब मैं दुकान लगाती हूँ तड़का, तो फिर एलर्जी वगैरह जो है ना वो हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा दूर करके ना बना रहे हैं इसमें डाल रहे हैं। इसमें हम आप गोभी जो है वो हमने डाल दी है,
अभी ये बन जाएगी, यानी कि आधा एक घंटा लगेगा, इसमें पानी डालेंगे। ये शाम को तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, जिन व्रत की फल में बुलाया है दोनों को, जा रहे हैं कुछ काम होगा वगैरह, तो अब हम इसमें थोड़ी देर के बाद ना पानी डाल देंगे, फिर उसके बाद ना इसको उतार देंगे, लगाएंगे। अभी तड़का जो है वो लग रहा है, तो एक कटोरी पानी की थोड़ी देर के बाद डालेंगे इसमें।